दोस्तों जेएमडी डीएन एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ये है कि अपनी मेमोरी पावर है वो हम कैसे बढ़ाएं, यानी हाउ टू इंक्रीज मेमोरी पावर। मेमोरी पावर हम जो भी याद करते हैं हमें वो याद रह रहा या नहीं रह रहा, अगर हमें कोई भी चीज़ याद नहीं रह रही तो उसके क्या कारण है और वो याद कैसे रहेगी। हम कोई भी पुस्तक लेके बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए पर हम देखते हैं याद करते हैं याद नहीं होता। मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, सबसे पहले किसी भी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे हम कहीं भी जा रहे हैं, किसी लड़की से हमने नंबर लिया, उसने नंबर दिया, हमारे पास फ़ोन भी नहीं है तो भी हम उसको याद कर लेते हैं, वो था हमारा इंटरेस्ट। या फिर हम ये बॉयज़ के लिए नहीं गर्ल्स के लिए भी सेम है, कहीं पार्टी में गए हुए हैं, किसी की ड्रेस की हेयर स्टाइल की हमने तारीफ कर दी, उसके दिमाग में रहते ही ये बातें क्योंकि वो इंटरेस्ट होता है। अगर आप किसी भी पुस्तक को पढ़ने बैठो लेके तो आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी हमें एक अपना गोल बनाना पड़ेगा, यानी लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य हम किसी भी पुस्तक को पढ़ें तो हम उसको एक उपन्यास की तरह पढ़ें या एक स्टोरी की तरह पढ़ने लग जाएं तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाती है और कभी दिमाग से बाहर नहीं जाती। कहीं हम घूमने जा रहे हैं, कोई शानदार दृश्य देख लिया हमने, वो हमारी आंखों को भी पसंद था हमारे दिल को भी पसंद था, वो दृश्य हम कभी नहीं भूल सकते। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टडी जो भी कर रहे हैं वो मेमोरी पावर कैसे बढ़ानी है उसके लिए हमें उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट। दूसरा है विजुअल। विजुअल क्या, कुछ भी देखते हैं हम वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। कोई मूवी देख के आए हम या हम कोई सीरियल देख के आए या कोई सॉन्ग देखा हमने, हमें याद हो गया वो वीडियोज, क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा था। इसलिए पुस्तक में कोई भी प्रश्न है उसका आंसर याद कर रहे हो तो उसको आप इस हिसाब से कल्पना में ले जाओ कि हमारे लिए दिख रही है वो चीज। तो इसलिए दो टॉपिक है हमारे इम्पोर्टेंट, नंबर एक इंटरेस्ट, नंबर दो विजुअल। अगर हम किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी बुक को पढ़ने बैठते हैं या हमें किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस है तो उनको है ना आप विजुअली ले लो और साथ में इंटरेस्ट ले लो उसके अंदर। हमने अगर किसी भी चीज़ का लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो उसमें कामयाबी होते हैं। अभी एक पीछे मेरे पास स्टूडेंट आया था, पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर, कह रहा मेरे को याद ही नहीं रह रहा, उसको इंटरेस्ट बनवा दिया एक मशीनिंग लाइन के अंदर। वो ज़्यादा नहीं 3 महीने के अंदर अंदर वो एक फ्रेशर बंदा जिसको दिमाग भी नहीं था पढ़ाई के अंदर वो एक कामयाब हो गया, प्रोग्रामर बन गया। प्रोग्रामर बनने के लिए लोग 10-10 साल लगा देते हैं पर वो 3 महीने में पूरी प्रोग्रामिंग भी सीख गया साथ में प्रैक्टिकली भी सीख गया क्योंकि उसको इंटरेस्ट पैदा हो गया उसके अंदर। किसी भी काम को करो उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते। मेमोरी बढ़ाने के 2 ही तरीके, नंबर एक उसमें इंटरेस्ट हो और नंबर 2 विजुअली उसको हमें किसी भी उपन्यास स्टोरी नॉवल या मूवी की तरह ले जाके अगर हम उसके ऊपर स्टडी करेंगे तो रियलिटी है कि हमें उसके ऊपर बेनिफिट अवश्य मिलेगा। दूसरी एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ कहते हैं कि मेडिटेशन करो आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आप अपने को डेवलप करोगे, ये रियल है। बट अगर स्टडी की बात करें या किसी भी चीज़ को याद करने की बात करें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हमें गोल निर्धारित करना पड़ेगा, यानी लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। अगर ये सब हो गया तो निश्चय हमें सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।